साई सुदर्शन के धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने हरा दिया है और इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने इमर्जिंग एशिया कप का खिताब भी जीत लिया है। इस धमाकेदार जीत का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस मुकाबले से पहले भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री मारी थी। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने सेमीफाइनल के मैच में बेईमानी करने की पूरी कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में खेलने वाले भारत के सभी खिलाड़ी समझ लीजिए छोटे बच्चे थे। इनमें से कोई भी खिलाड़ी कोई भी इंटरनेशनल मैच आज तक नहीं खेला है। बांग्लादेश की बेईमानी ये थी कि उसने भारत के बच्चों वाली टीम के सामने अपने काफी सीनियर खिलाड़ियों को उतार दिया था, जिसमें सौम्या सरकार का भी नाम शामिल है और जो सैकड़ों इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। लेकिन फिर भी भारतीय टीम के जूनियर खिलाड़ियों के सामने बांग्लादेश की सीनियर टीम की एक नहीं चली और उन्हें भारत के बच्चों से करारी हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, जहां उसका सामना पाकिस्तान से होना था। जिस जोश और जुनून के साथ भारतीय बच्चों ने इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था, उसे देखकर पाकिस्तान टीम में हलचल मचना लाजिमी था। उनके दिल में भारत से हारने का ऐसा डर बैठ चुका था कि उन्होंने बांग्लादेश जैसी ही बेईमानी करने का फैसला ले लिया और अपने टीम में मोहम्मद हैरिस, अहमद बट और मोहम्मद वसीम जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भारतीय बच्चों के सामने उतार दिया। लेकिन ये भारतीय टीम है, इनके सामने जो भी आ जाए ये उनसे लड़ना जानते हैं और लड़कर उनसे जीतने में भी ये भारतीय टीम माहिर है। टॉस का समय हो चुका था और बात जब भारत पाकिस्तान मैच के फाइनल की हो तो करोड़ों लोगों की निगाहें इस मैच के ऊपर टिकी थी। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा के साथ साई सुदर्शन आते हैं। एक तरफ जहां साई सुदर्शन शुरुआत में थोड़ा संभल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आते हैं। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और 10 ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट गवाए 57 रन बना लिए थे। लेकिन पारी के 12वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगता है और अभिषेक शर्मा 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर निकिन जोन के साथ साई सुदर्शन पारी को आगे बढ़ाते हुए भारत के स्कोर को 100 रनों के पार तक ले जाते हैं। लेकिन फिर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में कप्तान यश धूल ने मैदान पर आकर खूंटा गाड़ दिया और अपना अर्धशतक बनाते हुए भारत की पारी को 200 रनों के पार तक ले गए। आखिरी के 10 ओवरों में रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की, जिसके बदौलत भारत ने पाकिस्तान को निर्धारित 50 ओवरों में 292 रनों का टारगेट दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की टीम 212 रन पर ही सिमट गई और भारत ने पाकिस्तान को 80 रनों से हराकर इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीत लिया। तो भारतीय टीम के इस शानदार जीत के लिए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।